नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। मैं सुभाष बिश्नोई आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं आज दो गाय की वीडियो लेके आऊँ, एक तो इस थारपारकर ब्रीड की गाय की है, मिल्किंग वीडियो भी है, और एक साहिवाल प्रेग्नेंट की। तो मैं इन वीडियो के माध्यम से जो हमारी स्वदेशी गाय है उसके प्रति जागरूकता, और जो हमारा युवा वर्ग है वो पशुपालन डेयरी फार्मिंग में आए, इस उत्साह के लिए हम रोज़ नई वीडियो अपलोड करते हैं। और वो भी बहुत से किसान भाई जो गाय को ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेल के लिए जो गाय अवेलेबल होती है उसकी भी वीडियो बनाते हैं। तो ये जो गाय है थारपारकर ब्रीड की, ये गाय सेकंड लैक्टेशन के अंदर है, दूसरे ब्यांत के अंदर, और लगभग 7 से 8 लीटर पर टाइम यानी कि 14 से 16 लीटर तक एक दिन में दूध दे रही है। और उसके पीछे मेल काफ यानी कि बछड़ा है, और इसका जो रंग है सफ़ेद सुंदरी है, ये बहुत ही सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद गाय है। और इसकी जो ऑर्डर क्वालिटी है आप देखिए कितनी शानदार है, बहुत ही शानदार। और इसके जो थनों का बनावट है वो भी बहुत ही दूर दूर अद्भुत। और इसके जो प्राइज होंगे दोनों गायें बहुत ही रिजनेबल प्राइज है, नीचे प्राइज लिखे होंगे, बहुत ही रिजनेबल प्राइज इसका दिया जाएगा। और इसके पीछे जो बछड़ा है वो साहिवाल ब्रीड का है, लाल कलर का है। तो ये क्रॉस ब्रीड के कारण, क्योंकि कई जगह पे थारपारकर के सीमन अवेलेबल नहीं होते, वो गिर के साहिवाल के या एचएफ जैसे जर्सी जैसे भी इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक ये है साहिवाल ब्रीड की गाय जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में 14 से 15 लीटर इसने दूध दिया है, और अब ये सेकंड लैक्टेशन के अंदर है, शुद्ध साहिवाल, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, इसका प्राइस भी यहाँ लिख दिया जाएगा। ये 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, ये जो साहिवाल गाय थी ये 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 से 1.5 महीने में बच्चा देगी। तो कई भाई दूर से हैं, प्रेग्नेंट गाय खरीदना चाहते हैं, वो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। उसने फर्स्ट बार में 14 लीटर तक दूध दिया है और काफ़ी शांत स्वभाव की भी है। तो इसकी हम मिल्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके थनों की बनावट देखिए कितनी दूर दूर, कितनी शानदार है। तो हमारी जो स्वदेशी गाय है वो भी बहुत अच्छा मिल्क रिकॉर्ड करती हैं। ये गाय जहाँ हों और इन वहाँ से अगर हम जगह बदल दी जाती है, जैसे कहीं ट्रांसपोर्ट करवा के दी जाती है, तो ये गाय ज़्यादातर दूध एक बार कम हो जाती है। इसलिए सभी भाई प्रेग्नेंट गाय खरीदना चाहते हैं, वो 1-2 महीना ले रही होती है तो जाके वो बढ़िया से बच्चा देती है और अच्छा दूध भी देती है। क्यों, इनकी साइकोलॉजी जो मन होता है वो ट्रांसपोर्ट में इनका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो गिर जाता है, हौसला देसी गाय का उत्साह गिर जाने के कारण ये दूध जो बनाने की कैपेसिटी है उसमें इनका ध्यान भटक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं खाली बाल्टी है, और पहले थन को धार देखिए, बहुत ही अच्छी धार की गाय, थनों की बनावट देखिए, और इसकी अडर क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इसी अडर क्वालिटी देखने योग्य होती है। तो चारों थनों की थन भाई धारे मार के चेक करवा रहे हैं, और ये 15 से 20 दिन की ब्याई हो चुकी, जो डिलीवरी इसका टाइम है 15 से 20 दिन का हो चुका है, सेकंड लैक्टेशन यानी कि दूसरा ब्यांत है, और सफ़ेद सुंदरी काफ़ी शांत स्वभाव की, बच्चा आगे जोर जोर से मार रहा है लेकिन गाय शांत स्वभाव की। तो हम ये जो बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की, जब ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है तो इनका मनोबल गिर जाता है, मनोबल गिरने से ये दूध बनाने के जो इनका ध्यान है वो भटक जाता है,
जब ये नई जगह जाती हैं वहाँ ये कम हरा चारा खाती हैं, तो जब खाएंगी नहीं तो दूध भी कहाँ से देंगे। तो इनको पहले तो खुला जगह चाहिए, जाने के बाद इनको रोज़ दिन में कुछ टाइम खुला छोड़ो, जिससे कि इनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। जिस जगह पे हैं वहाँ से इन्हें प्रेम हो, लगाव हो। ये ज़्यादा फीड या चारा खा के दूध नहीं देते। हमारी स्वदेशी गाय है वो एचएफ जर्सी के मुकाबले बहुत कम फीड या चारा खाती। आप जर्सी या एचएफ को नई जगह ले जाओ, उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें जाके सिर्फ वहाँ खाने के लिए चाहिए, वो बहुत जल्द रिकवर हो जाती है। लेकिन हमारी जो देसी गाय है इनको वहाँ प्यार चाहिए, वहाँ के लिए इन्हें वो लगाव, वो मोह चाहिए जिससे कि ये दूध बनाती है। ये प्यार से और लगाव से दूध बनाती है। इनको आप जाने के बाद गुड़ खिलाएं, अपने हाथ से रोटी खिलाएं, इनको लगे भी ये हमसे प्रेम करते हैं, इनके मन में भी आपके प्रति प्रेम हो। ये प्रेम से ही पावस्ती हैं। कई गाय नई जगह जगा के दूध ही नहीं उतारती, तो आप इनको रोटी खिलाएं, जब दूध निकालने के समय इनको आटा डालें या ऐसा दाना डालें, खल डालें, जिससे खुश होके पावसे। नई जगह पे इन्हें सब कुछ नया लगता है। ये पावसने में भी टाइम लगा देती हैं, दूध एक बार में नहीं उतारती हैं। लेकिन जो गाय प्रेग्नेंट जाती हैं, हमने बहुत सारी गाय प्रेग्नेंट भी दिलवाई हैं, और प्रेग्नेंट जो गाय आती है वो जब एक या डेढ़ दो महीने बाद वहाँ जाके बच्चा देती हैं, तो वो एक महीने में वहाँ के लिए पूरी उस माहौल में सेट हो जाती हैं, और वहाँ उनसे प्रेम, लगाव, मोह भावना बढ़ जाती है। जब वहाँ वो पूरा खुल के यानी इच्छा पूर्ण अपना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, घूम लेती हैं, उस अवस्था में उनका पूरा वहाँ ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो सभी भाई जो भी इस चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भाई पास में दिए गए इस बटन पे टच जरूर करें, घंटी के निशान पे, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन घंटी का निशान भी दबा दिया, वो प्लीज़ लाइक भी करें, नीचे दिए सीधे अंगूठे के निशान को टच करें। तो हमारी बात सी प्रेग्नेंट गाय पे, जब वो वहाँ आराम से खाती पीती है तो उनका ध्यान सेट हो जाता है, और उसके बाद जब वो बच्चा देती हैं, तो बच्चा जब देती हैं तो वो पूरी संतुष्ट होती हैं उस जगह के लिए, और पूरा अंडर ग्रोथ करती हैं, और जो दूध बनाने में उनका ध्यान होता है वो पूरा एक चित्त होकर लग जाता है, जिससे कि वो वहाँ पूरी सेट हो जाती हैं, और वो बढ़िया मिल्क रिकॉर्ड करती है। हमने बहुत सी प्रेग्नेंट गाय भेजी, उन्होंने बहुत अच्छा दूध दे रही हैं, जो 12, 14, 15 जो रिकॉर्ड था वो कर रही हैं। लेकिन जो ब्याई हुई गाय, ये कुछ दिन बाद उस दूध पे आती है। कई गाय तो जैसे 15 किलो वाली 12 पे ही रुक जाती है, क्योंकि इन्होंने माहौल सेट नहीं होता। तो सभी भाइयों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इस गाय की मिल्किंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस गाय में 7 से 8 लीटर पर टाइम का दूध है, और जो साहिवाल नस्ल की गाय दिखाई गई उसमें भी 13 से 14 लीटर फर्स्ट बार में उसने दूध दिया, वो सेकंड लैक्टेशन के अंदर है। इनका रेट भी मेंशन कर दिया जाएगा, नीचे वीडियो नंबर के आगे इसका रेट लिखा होगा, और ऊपर इसका नंबर भी स्क्रीन पर होंगे। अगर कोई भी भाई, ये सेल के लिए गाय दोनों अवेलेबल हैं, कोई भी भाई गाय परचेज करना चाहता है तो ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और अपने घर पे अपने बच्चों के लिए देसी गाय का दूध, जो सफ़ेद सुंदरी है, उसके दूध लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है,
कहीं भी ट्रांसपोर्ट करवानी हो तो सभी भाइयों का धन्यवाद। जय गौ माता, जय किसान, जय भारत।